आर्थिक राजधानी मुंबई से समुद्री मार्गों के जरिए खाड़ी देशों में अवैध शराब की तस्करी बड़े पैमाने पर की जा रही है, जिस पर शिकंजा कसने के लिए अब राज्य उत्पादन शुल्क विभाग स्पीड बोट का इस्तेमाल कर रहा है। इन नावों के जरिए राज्य उत्पादन शुल्क विभाग की टीम समुद्री इलाकों में पेट्रोलिंग कर रही है। इस पेट्रोलिंग के दौरान राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने पिछले दो दिनों में शराब माफियाओं के कई अड्डों को उध्वस्त कर दिया और बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। अपनी टीवी स्क्रीन पर ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं, साथ ही साथ आपको वो स्पीड बोट भी हम दिखाने का प्रयास करते हैं जिसके जरिए राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मुंबई, ठाणे, मुंब्रा और डोंबिवली के समुद्री क्षेत्रों में शराब तस्करी के मामलों पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है और समुद्री रूट पर पेट्रोलिंग जो है वो बढ़ा दी गई है। इस पेट्रोलिंग के दौरान राज्य उत्पादन शुल्क ने कई शराब के अड्डों को उध्वस्त करते हुए तकरीबन 2 करोड़ रुपए की शराब बरामद की है। 15 शराब माफियाओं को अपनी गिरफ्त में लिया है। शराब माफियाओं पर राज्य उत्पादन शुल्क के अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए बड़े पैमाने पर अवैध शराब के कई ड्रम बरामद किए हैं। भारी बारिश के बीच भी छापेमारी का सिलसिला जारी है। बताया जाता है कि स्पीड बोट ठाणे के जिलाधिकारी की तरफ से दी गई है। कुल ऐसे 8 स्पीड बोट्स हैं जिन्हें ठाणे जिलाधिकारी ने राज्य उत्पादन शुल्क विभाग को सौंपे हैं और इसी के जरिए समुद्री क्षेत्रों के कोने कोने में न सिर्फ पेट्रोलिंग की जा रही है बल्कि शराब माफियाओं पर भी राज्य उत्पादन शुल्क विभाग अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। मैं आपको मालूम देना चाहता हूँ कि ठाणे के जिलाधिकारी मिस्टर राजेश नार्वेकर जी, उन्होंने DPDC के जो फंड होते हैं उसमें से स्पेशल प्रोजेक्ट करके ठाणे जिले के लिए 8 होड़ी खरीदी करने के लिए परमिशन दी थी और उन्होंने एक ड्रोन कैमरा खरीदी करने के लिए भी परमिशन दी थी। अभी आपको पता चला होगा कि लास्ट वीक में हमारे ठाणे सुपरिटेंडेंट जो है उनकी टीम, उन्होंने एक निर्मिति केंद्र जो है हारबट्टी का वहाँ छापा मारा और तकरीबन 1 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए की मुद्देमाल वहाँ डिस्ट्रॉय कर दिया और हमारे जो स्टाफ है वहाँ का, विशेषतः ठाणे जिले का स्टाफ है, उनमें काफ़ी जोश आ गया है, मोटिवेशन उनका बढ़ गया है और वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऐसी कार्रवाई करेगी और बाकी जगह जहाँ भी ऐसे निर्मिति केंद्र है वहाँ भी वो